अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज की जो हमारी कोर्स या लेक्चर आउटलाइन है वो है कि हम अगेन डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड पैरामीटर्स को। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो जस्ट आज के लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर एंड कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर। फिर हम देखेंगे कि हम क्लास से एक रिटर्न टाइप वैल्यू कैसे भेज सकते हैं जो कि इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्रोग्राम में कर चुके हैं। एक पॉइंट प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूजिंग कंस्ट्रक्टर डबल लोडिंग, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम पॉइंट कैसे रिटर्न कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट एक क्लास का फंक्शन कैसे रिटर्न करता है। फिर हमने डिस्कशन की थी कुछ रेफरेंस पैरामीटर्स की अपने फर्स्ट कोड के अंदर, जब हमने नॉर्मल पॉइंट का कोड क्रिएट किया था। फिर रिटर्न वैल्यू एज ए क्लास, कॉन्स्टेंट रेफरेंस पैरामीटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ये हम थ्रेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों डिस्कस करेंगे। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर्गुमेंट इज अ वैल्यू डेट विल बी यूज फॉर एन आर्गुमेंट व्हेन ए प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड एन एक्चुअल आर्गुमेंट व्हेन कॉलिंग ए फंक्शन। लेट्स से हम वापस आ जाते हैं अपने इस प्रोग्राम पे और डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो लेट्स सपोज करें आपका इनिशियलाइज का फंक्शन है और एज ए प्रोग्रामर आप चाहते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो एक्स वन की वैल्यू या एक्स के लिए जो वैल्यू है वो कंपलसरी हो, जबकि अगर एंड यूज़र वाई के लिए वैल्यू ना दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। आप क्या करना चाह रहे हैं, एंड यूज़र को या कोडर, नेक्स्ट कोडर को ये बताना चाह रहे हैं कि वाई वन आपकी क्या है, नॉट कंपल्सरी वैल्यू है। अगर आपने ये फंक्शन कॉल करना है तो आप एक्स वन कंपल्सरी देंगे जबकि वाई वन आपके लिए क्या है, कंपल्सरी नहीं है। और ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आप राइट टू लेफ्ट राइट करेंगे, आप ऐसे नहीं राइट कर सकते कि आपके एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन। ये जो राइट करने का वे है हमेशा क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप राइट से लेफ्ट की तरफ बताते जाओगे कि कौन से आर्गुमेंट कंपलसरी हैं और कौन से आर्गुमेंट कंपलसरी नहीं हैं। तो इक्वल टू लेफ्ट से अगर मैं ज़ीरो यहाँ पे राइट कर देता हूँ तो ये आपको सिर्फ बताना है डॉट एच में, इम्प्लीमेंटेशन में इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस मेन डॉट सी पी पे आते हैं, ये लास्ट लेक्चर का जो कोड था उसको जस्ट हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव, ताकि हम आज के कोड को या स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं पॉइंट सी और उसमें टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम पास कर देते हैं 2020। तो पी डॉट डिस्प्ले, लेट्स से हम क्या देखना ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2020 इसमें प्रोग्राम इज करेक्टली वर्किंग। लेट्स से हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं पी डॉट इनिशियलाइज, इसमें हम पास कर देते हैं। अगर आप देखें कंपाइलर आपको ऑलरेडी बता रहा है कि डबल एक्स वन जो आपका है वो क्या है, कंपलसरी है, जबकि वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वाई वन में ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाएगा, ज़ीरो। तो लेट से हम दोबारा इनिशियलाइज करवाते हैं विद एक्स वैल्यू वन एंड हम कुछ भी पास नहीं करते फॉर वाई वैल्यू, एंड इसको हम क्या करते हैं पी डॉट डिस्प्ले। लेट्स से क्या डिस्प्ले होता है, तो कंपाइल करें, एग्जीक्यूट। तो इनिशियल वैल्यू जो आपने कंस्ट्रक्टर में पास की थी वो क्या है, 20। जब आपने इनिशियलाइज किया एक्स को 1 के साथ और वाई में कोई पैरामीटर पास नहीं है तो स्टिल आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो बाय लुक एंड फील तो ये लग रहा है कि इनिशियलाइज का फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है, लेकिन एक्चुअली आप पॉइंट डॉट एच में उसे क्या बता रहे हैं कि y1 जो है, जो आपका इस एट्रीब्यूट के लिए आपने ऐड किया था वो क्या है, कंपलसरी नहीं है। अगर यूज़र उसको विदाउट
पैरामीटर कॉल करेगा, तो स्टिल ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर ऑटोमेटिकली वाई के लिए जो वैल्यू स्टोर करेगा वो क्या करेगा, इक्वल टू 0। दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब आप इसकी रीज़न क्यों आती है, मोस्ट ऑफ द केसेज में जब आप लार्जर प्रोग्राम राइट करते हैं तो आपके पास फंक्शन पैरामीटर, देर आर मैनी फंक्शन पैरामीटर्स, उसमें से कुछ मोस्टली फंक्शन जो पैरामीटर्स हैं वो आप क्या उन्हें करते हैं, एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स वो कंपलसरी नहीं है इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप कंपलसरी एट्रीब्यूट्स पास करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो बाकी पैरामीटर में स्टोर हो जाती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आप फेसबुक की एग्जांपल लें, तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप सिंपल उसको ईमेल एंड पासवर्ड बताते हैं, आप उसको होम एड्रेस, जिप कोड, प्रोफाइल पिक्चर वो आप नहीं बताते। लेट्स अस्यूम करें कि जब आप साइन अप कर रहे हैं तो एक्चुअली पी डॉट क्रिएट प्रोफाइल का फंक्शन है जिसमें वो तमाम एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल योर नेम, योर होम एड्रेस, जिप कोड, योर पासवर्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन ड्यूरिंग साइन अप आप जो कंपल्सरी एट्रीब्यूट हैं सिर्फ वो पास करेंगे, फॉर एग्जांपल योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड एंड योर ईमेल, और साइन अप कर लेंगे। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो क्या लेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो भी आपके फंक्शन के अंदर राइट होंगी, ताकि एंड यूज़र थोड़ा सा लिबर्टी उसे मिल जाए कि अगर वो एक पैरामीटर पास करना चाह रहा है या दो करना चाह रहा है, तीन करना चाह रहा है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के थ्रू वो बाकी पैरामीटर्स को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो लेकिन इसके लिए आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। रीज़न ये क्या है, इट्स एक्चुअली नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी इस डॉट एच को कोई यूटिलाइज करेगा तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग अगर आप ये एक पैरामीटर से कॉल कर रहे हैं एंड स्टिल फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन स्टिल हैंडी है, आपकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रूल्स अगेन हम डिस्कस चुके हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ओनली स्पेसिफाइड वंस इन द प्रोटोटाइप नॉट इन द इम्प्लीमेंटेशन। पैरामीटर हमेशा एक दफ़ा आप यहाँ पे प्रोटोटाइप में डिफाइन करते हैं जो आपकी डॉट एच है, इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन उसके नज़दीक क्या है, अगर हम इनिशियलाइज पे आए, इम्प्लीमेंटेशन के नज़दीक उसके दो ही पैरामीटर हैं x1 एंड y1, लेकिन प्रोटोटाइप क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, डिफॉल्ट आर्गूमेंट। इम्प्लीमेंटेशन में आप राइट नहीं करेंगे, हमेशा आप प्रोटोटाइप में कॉल करेंगे। तो इन ए कॉल जब आप उसको कॉल करेंगे, आर्गूमेंट्स विद द डिफॉल्ट मे बी ओमिटेड फ्रॉम राइट एंड। तो जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो राइट एंड से हमेशा आप राइट करना स्टार्ट करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स को। आप बीच में से ये नहीं कर सकते x1 को आप इक्वल टू 0 कर लें, x2 को आप कंपलसरी कर दें, x3 को आप 0 कर दें। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आप राइट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे y1 को क्या किया, 0 किया। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे तीन पैरामीटर्स होते x1, x2 एंड y1 और हमें एक कंपलसरी पैरामीटर्स चाहिए थे, तो x1 को हम ऐसे ही रहने देते जबकि y1 एंड x2 को हम यहाँ पे 0 राइट करते। तो देर आर सम रूल्स, ये स्लाइड अपलोड हैं, आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट रूल्स क्या हैं, जनरल आर्गूमेंट विद डिफॉल्ट मे बी ओमिटेड फ्रॉम राइट हैंड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से प्रोटोटाइप आपकी क्या है, इंट ईयर, इंट मंथ इज इक्वल टू 1, डेट इज इक्वल टू 1। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पे 0 पास करें, आप एनी वैल्यू यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो डेट चेक डिफ़ॉल्ट फॉर बोथ मंथ एंड डेट। अगर आप लेट्स सपोज ये आपका प्रोटोटाइप है और अगर आप ये फंक्शन कॉल करते हैं तो एक वैल्यू ईयर के लिए 2002 स्टोर होगा जबकि मंथ एंड डेट के लिए क्या स्टोर होगा, 1। अगर आप टू पैरामीटर्स पास करते हैं तो डे ईयर एंड मंथ के लिए वैल्यू स्टोर होगी जबकि डेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या वैल्यू क्या लेगा, 1। अगर आप तीनों पैरामीटर पास कर देते हैं तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं ये यूटिलाइज नहीं होंगी, जो यूज़र ने डिफ़ाइन की हैं वो वैल्यूज यूटिलाइज होंगी। तो इन अदर वर्ड आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए दोनों वैल्यूज़ देना क्या है, कंपलसरी है।
तो यही चीज़ हम कंस्ट्रक्टर के साथ ऑलरेडी करके आ चुके हैं। जैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें, इनिशियलाइज एक्स हमने देखा था, फिर उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ पास कर दी थी, 0.0 एंड 0.0, अगर आपको याद हो। इस सिचुएशन में हमने कहा था अगर आप ये तीनों के बजाय एक ही कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ऐड करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिविजिट हम कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देख ली थी। सेकंड टॉपिक है हमारा पैरामीटर से रिलेटेड, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर, कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर। इनफैक्ट यू कैन आल्सो हैव कांस्टेंट वैल्यू पैरामीटर इवन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। कि आप कांस्टेंट वैल्यू पैरामीटर्स क्यों सेंड करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वैल्यू पैरामीटर सेंड करते हैं तो वो एक्चुअली क्या हैं, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट द मीनिंग ऑफ वैल्यू पैरामीटर्स। हम वैन पे वापस आते हैं, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक वैल्यू इंटीजर स्टोर कराते हैं, इंट इक्वल टू 20 एंड y1 इक्वल टू 20। और अब यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, x1 एंड y1। तो वापस हम पॉइंट कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वैल्यू आपकी अब पास हो रही है वो किस तरह पास हो रही है, बाय वैल्यू। x1 की जो भी वैल्यू है वो पास हो रही है इस कंस्ट्रक्टर के इस स्पेसिफिक पैरामीटर में, y1 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे y1 में क्या हो रही है, पास हो रही है। तो अगर आप इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पॉइंट x1 एंड y को चेंज करेंगे, तो आउटसाइड दिस इम्प्लीमेंटेशन इन x1 y1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्हें पास कैसे किया है, एज ए वैल्यू पैरामीटर। ये ऑलरेडी आप फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में देख के आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है रेफरेंस पैरामीटर। रेफरेंस पैरामीटर आप एंड ऑपरेटर के थ्रू क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पास करेंगे। तो अगर इस फंक्शन के इनसाइड x1 एंड y1 की वैल्यू चेंज होंगी तो वो आउटसाइड ये वैल्यू भी क्या होंगी, इफेक्ट होंगी। तो ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर ये हम देख लेते हैं। तो फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन वैल्यू पैरामीटर्स के एग्जांपल गिवन है, फिर रेफरेंस पैरामीटर्स की अगेन एग्जांपल क्या है, गिवन है, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी आप जो है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़ के आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू पैरामीटर एंड रेफरेंस पैरामीटर। सो रेफरेंस पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड, सॉरी, कॉन्स्टेंट रेफरेंस पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड बाई राइटिंग कॉन्स्टेंट टाइप नेम एंड पैरामीटर नेम। सो लेट से हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन का नाम है डिस्टेंस, आप फाइंड करना चाह रहे हैं। लेट से हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। तो लेट से इट्स ए डिस्टेंस फंक्शन और इसको हम क्लास के बाहर एग्जीक्यूट करते हैं। लेट से हम कहते हैं ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो हम मेन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं हम, कि रिटर्न टाइप आपकी एक डबल है, वो डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं बिटवीन कांस्टेंट एंड पॉइंट वन एंड कांस्टेंट एंड पॉइंट टू। तो देयर आर सम इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन दीज टू लाइन। तो बेसिकली जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो लेट्स से अगर आप कॉल करेंगे डिस्टेंस, P1, लेट्स से आपने दो पॉइंट्स ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स बाय रेफरेंस क्या होंगे, इस फंक्शन में पास होंगे। लेकिन इस फंक्शन के इनसाइड आप P1 एंड P2 को चेंज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, दोनों ये जो वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो अगर आप ये कांस्टेंट रिमूव कर दें, सो इट्स बिकम ए नॉर्मल रेफरेंस पैरामीटर। अगर आप यहाँ पे P1 एंड P2 की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, लेट से कोई फंक्शन कॉल करेंगे या इसके इनसाइड जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करेंगे,
तो वो आउटसाइड भी पॉइंट पी वन एंड पॉइंट पी टू पे अफेक्ट होगी। तो बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप यहाँ से मेमोरी एड्रेस पास करते हैं। तो मोर अबाउट मेमोरी एड्रेस हम देखेंगे जब हम पॉइंटर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना आप अंडरस्टैंड कर लें कि बाय वैल्यू अगर हम पास करेंगे, लेट्स से अगर हम एंड ऑपरेटर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो अगर आप ये फंक्शन कॉल करते हैं पी वन एंड पी टू, तो पी वन इस स्कोप के अंदर जो पी वन की वैल्यू है वो क्या होगी, इस स्कोप के अंदर पी वन की वैल्यू में कॉपी होगी, पी टू की वैल्यू इस पी टू में कॉपी होगी। अगर आप इन पी वन पी टू को यहाँ पे चेंज करेंगे तो इस पी वन एंड पी टू पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये नोट करें कि ये पी वन एंड पी टू जो इस तो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे हैं, और जो इस फंक्शन के इन साइड पी वन एंड पी टू हैं इनके लिए एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। ये दोनों एक नहीं है, बाय नेम लुक लाइक ये क्या है, एक हैं, लेकिन इन पी वन एंड पी टू का स्कोप इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में है, जबकि इन पी वन पॉइंट पी वन डिस्टेंस के अंदर जो पैरामीटर्स हैं इसका स्कोप इस फंक्शन के इन साइड है। जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो पी वन पी टू के लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिमिलरली जब आपका मेन प्रोग्राम इन अदर वर्ड्स आपका प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इस पी वन एंड पी टू के लिए जो भी मेमोरी रिजर्व होगी वो आपका कंपाइलर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सो वैल्यू पैरामीटर्स क्या कहते हैं, लेट्स से अगर पी वन की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुई है, सो अगर आप इस पी वन में कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट इस पी वन पे नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे एंड ऐड कर दें तो हम ये क्या बेसिक कह रहे हैं, हम रेफरेंस ऑफ पी वन ले रहे हैं, पी वन ये जो एड्रेस पी वन के पास आ रहा है, एंड ऑपरेटर हम यूज होता है एड्रेस के लिए, तो पी वन के पास जो एड्रेस किस मेमोरी का आ रहा है वो इस पी वन का है, और इस पॉइंट पी टू के पास जो मेमोरी का एड्रेस आ रहा है वो ये वाला पी टू है। तो अगर आप एक्चुअली यहाँ पे पी वन में कोई भी चेंज करते हैं, लेट से आप कहते हैं पी वन डॉट सेट एक्स 30, तो बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपके पास जो पी वन का मेमोरी एड्रेस है वो एक्चुअली इस पी वन का है, और पी टू का जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, इस पी टू का है। तो टेक्निकली ये पी वन पी टू एंड वे पी वन एंड पी टू बिलोंग्स टू द सेम मेमरी, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे तो वो इस पी वन एंड पी टू पे भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। अच्छा, अब आप बाय रेफरेंस ही, अच्छा बाय रेफरेंस भेजने का फ़ायदा क्या है, लेट से अगर पॉइंट के लिए मेमरी रिजर्व हुई थी 10 बाइट्स की, पी टू के लिए भी क्या हुई थी 10 बाइट्स की, तो अगर आप बाय रेफरेंस पास करेंगे तो मेमरी आपकी न्यू क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाय वैल्यू पास करेंगे तो आपकी फोर मेमोरीज क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल पी वन के लिए 10 बाइट्स, पी टू के लिए 10 बाइट्स, इस पी वन के लिए 10 बाइट्स, इस पी टू के लिए 10 बाइट्स, लेकिन बाय रेफरेंस के अंदर आपकी मेमोरी क्रिएट, न्यू मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आप वर्क किस पे कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ पी वन पे, और पी वन के लिए ऑलरेडी मेमोरी क्या रिजर्व है 10 एंड 10, टोटल जो मेमोरी रिजर्व है अभी आपके प्रोग्राम के लिए वो लेट से आप क्या कहेंगे 20 बाइट्स की मेमोरी है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस बाय वैल्यू एंड बाय पैरामीटर रेफरेंस अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, आप क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका पॉइंट है बाय रेफरेंस तो आए, बाय वैल्यू ना जाए, क्योंकि आपकी मेमोरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 10 बाइट्स, 40 बाइट्स आपकी हो रही है, आपने उसको बाय रेफरेंस भेजा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि पी वन की वैल्यू यहाँ पे अगर आप चेंज करें तो आपको एरर जनरेट हो, तो आप इस पॉइंट को क्या कह देंगे, कांस्टेंट। वन में तो ये है कि आप क्या करें, बाय वैल्यू भेज दें, अगर पी वन की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज भी हो जाती है तो पी वन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो आप इसे यहाँ पे क्या कह देंगे, कांस्टेंट। तो अब आपका जो नेक्स्ट प्रोग्रामर है उसको इस फंक्शन की प्रोटोटाइप देख के ही समझ आ जाएगी, ओके जो प्रोग्रामर एक्चुअल प्रोग्रामर था वो क्या करना चाह रहा था कि ये फंक्शन जब आप कॉल करें तो एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट ना करें पी वन एंड पी टू के लिए, आप इन्हीं के एड्रेस पे इस फंक्शन पे काम करें। सेकंड, इस फंक्शन के इनसाइड आपने जो भी लॉजिक अप्लाई करनी है
उसमें P1 एंड P2 की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको क्या डिफाइन कर दिया है, कांस्टेंट। अगर आप उसको चेंज करने की ट्राई भी करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं P.P1.set(x) 30, सेव, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, आपका एरर आएगा, सो नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल पॉइंट सेट एक्स कॉन्स्टेंट। तो कोई मैचिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा कॉन्स्टेंट को कॉल करने के लिए। तो रीज़न इसकी क्या है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन आप क्योंकि P1 की वैल्यूज़ को चेंज करें, जिसकी वजह से ये क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स से हम यहाँ पे रिटर्न 0.0, ताकि आपका फंक्शन क्या हो, बाई लॉजिकली कंप्लीट हो। तो नो मैचिंग फंक्शन सेट एक्स, हम देख लेते हैं P1 के साथ, P1.setx का फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसमें पैरामीटर्स नहीं है। तो एरर क्या आएगा, पासिंग कॉन्स्टेंट पॉइंट एज दिस आर्गूमेंट ऑफ वॉइड पॉइंट। इन अदर वर्ड आप अब इस फंक्शन को कौन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपका पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो अगर आप यहाँ से कॉन्स्टेंट रिमूव कर दें, तो इसको अगेन कंपाइल करें, सो देर आर सम अदर एरर जिस वजह से आपका ये आइटरेटर एरर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपका कॉन्स्टेंट का एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने क्या किया है, P1 को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट या वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट रेफरेंस पैरामीटर। फिर लास्ट टाइम हमने देखा कि हम क्लास से वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं, इट्स सेल्फ ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्लास का जो ऑब्जेक्ट है या फंक्शन रिटर्न टाइप है, वो इट्स सेल्फ यूज़र डिफाइंड वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने ऐड के फंक्शन में देखी थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था जिसकी रिटर्न टाइप क्या थी, पॉइंट। तो हम पॉइंट P3 को क्या कर रहे थे, ऐड करने के बाद वैल्यूज को रिटर्न कर रहे थे। अच्छा, अब ये वैल्यू रिटर्न कैसे होती हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जो कि हम अगेन पॉइंटर्स में जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर या शैलो कॉपी, हम एक कंसेप्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड हार्ड कॉपी जिसे आप कहते हैं, वो क्या है, शैलो कॉपी का कंसेप्ट क्या है। वहाँ पे हम एक न्यू कंस्ट्रक्टर टाइप देखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आके हम एक वर्ड बोल सकते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हर क्लास में एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, जिसका काम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। लेकिन ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट है, इसको हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लेट से दो आपके पास पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट P एंड पॉइंट P1, तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेट से P1 में क्या स्टोर करवा दें, इक्वल टू P। और इस आर्गुमेंट को देखें, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड अभी तक नहीं किया हुआ, लेकिन ये स्टिल नॉर्मल डाटा टाइप के साथ भी वर्क करेगा और हमारे ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्क करेगा। तो लेट्स अगर मैं P1.display का फंक्शन कॉल करें, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, जो भी P की वैल्यू है, लेट्स से हम यहाँ पे इनिशियलाइज को भी रिमूव कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, एरर स्क्रीन थोड़ी नीचे। सो लेट्स से हम क्या कह रहे हैं कि P1 में P की वैल्यू को स्टोर कर लें, तो एग्जीक्यूट करेंगे X1 XY के बजाय हमने वो कोड डिलीट कर दिया, तो हम 20 20 कह देते हैं। नो एरर,
और आप देखें तो लेट्स से पॉइंट पी आपने डिस्प्ले किया, 2020 वैल्यू आपने पी की स्टोर करवाई पी में, तो पी वन को आपने डिस्प्ले किया, तो अगेन आपको 2020 क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इनफैक्ट ये जो इक्वल का ऑपरेटर है इसको आपने ओवरलोड तो किया नहीं है। फिर लेट्स सपोज आप रन टाइम पे क्या कह रहे हैं कि पी वन के अंदर रन टाइम पे डिक्लेरेशन टाइम पे, लेट्स से आपको मैं कोड के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम ऑफ पी वन आप उसमें क्या पास कर दें, पी लेट से हम इक्वल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब पी वन को डिस्प्ले करवा के देखते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। सो नो एरर, और आपकी आउटपुट क्या आ रही है, एग्जैक्टली आ रही है। सो एक डेटा टाइप से वैल्यू दूसरी क्वांटिटी में ऐड करने के लिए आप इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, या आप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम आप क्या कह रहे हैं कि पी वन के इनसाइड क्या पास कर दें, एक और ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड इट्स मीन देर इज़ ए कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट जो कि क्या है, वन आर्गूमेंट है हमारे। अगर हम कंस्ट्रक्टर पे आएँ तो यहाँ पे वन आर्गूमेंट तो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, लेकिन उसके इनसाइड जो पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है। जबकि हम यहाँ पे जो पैरामीटर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप तो पॉइंट है। सॉरी, इट्स मीन बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन टाइम पे क्रिएट हो जाता है जिसका नाम तो पॉइंट ही है, लेकिन एंड विच कंटेन ओनली वन पैरामीटर, लेकिन उस वन पैरामीटर की डेटा टाइप वही है जो क्लास की डेटा टाइप है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर, तो अगर मैं इसको यहाँ पे राइट कर दूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलेबोरेशन, कमेंट के इनसाइड ऐड करते हैं, तो पॉइंट पॉइंट एंड पी, या सिंपल हम पॉइंट पी कह देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर इस मीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सो जब आप पी की वैल्यू स्टोर करते हैं, पॉइंट पी की वैल्यू जब आप यहाँ पे कॉपी करते हैं, इन अदर वर्ड्स आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी पी की वैल्यू है वो पी वन में स्टोर कराते हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली क्या होगा, पी वन डॉट गेट एक्स आप, या पी वन डॉट एक्स की वैल्यू किस में स्टोर करवाएंगे, पी वन डॉट एक्स की वैल्यू स्टोर कराएंगे पी डॉट एक्स में, पी वन डॉट वाई की वैल्यू स्टोर कराएंगे पी डॉट वाई में। सो इनवर्स अगर हम इसको देखें तो P में क्या स्टोर है, 20 एंड 20, तो ये x एक्सिस आप P1 में स्टोर करवाएंगे और ये y एक्स आप P1 में स्टोर करवाएंगे, लेकिन इसका कोड आपने नहीं किया होगा। सिमिलरली आपने जब हमने डिस्प्ले करवाया था P1 इक्वल टू P, ये कोड भी आपने नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप P1 प्लस P करें, अगर आपने ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया हुआ तो आपको एरर आएगा, लेकिन ये तो कोड करेक्टली हमारे इस केस में क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, अभी तक बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये अभी आप कि करेक्टली वर्क कर रहे हैं, और वर्क कैसे कर रहे हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि P1 P के इनसाइड जो भी वैल्यूज हैं वो कॉपी कर दें किसमें, P1 में। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं P की जो भी वैल्यूज हैं वन बाय वन किसमें कॉपी कर दें, P1 में। लेकिन ये दोनों आपके जो कंसेप्ट हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्रॉब्लमेटिक होंगे अगर हमारी क्लास के इनसाइड सम पॉइंटर वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंटर से मुराद क्या है, तो देखें अभी तक जितनी भी वैल्यू रिजर्व हो रही हैं, लेट्स से डबल के लिए लेट्स से हम कहते हैं 8 बाइट, वो कौन रिजर्व कर रहा है, कंपाइलर। आपने क्या ऐसा कोई कोड लिखा इस पूरे कोड में या इम्प्लीमेंटेशन के कोड में जहाँ पे आपको लगे कि जो मेमोरी है वो आप खुद से रिजर्व कर रहे हो, जब भी प्रोग्राम आप कंपाइल कर रहे हैं तो आपका ऐसा कोई कोड नहीं है जो आपके लिए मेमोरी को रिजर्व करे।
तो ये सारा काम अभी तक कौन कर रहा है? मेमोरी रिजर्व करना, मेमोरी डिस्ट्रॉय करना, ये सारा काम कर रहा है आपका कंपाइलर। तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जब हम एक कंसेप्ट देखेंगे, हम खुद से मेमोरी रिजर्व करेंगे, तो अभी तक हम जो वर्ड यूज़ करें वो क्या है? स्टैटिक मेमोरी, के कंपाइलर डिफाइंड मेमोरी पे हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम एक अरे क्रिएट करते हैं, लेट से हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट 10 बाइट्स ले रहा है, तो हम पॉइंट के लिए एक मेमोरी अरे बना लेते हैं P20। तो अब 20 × 10 200 बाइट्स की टोटल ये आपकी अरे हो रही है, क्रिएट हो रही है। लेकिन इस अरे का थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? लेट से आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो पॉइंट P20, सॉरी डिक्लेरेशन, इसको हम पॉइंट टू कह देते हैं, वेरिएबल के नाम क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ये क्या बेसिक हो गया, आपकी 200 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व होगी। लेकिन जब हम लार्जर प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप इस 200 को ना तो इंक्रीज कर सकते हो बाइट्स को, ना डिक्रीज कर सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है कि लेट्स सपोज करें कि आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आपकी अरे है ड्यूरिंग रन टाइम, ये 22 बाइट्स की हो जाए या 22 इंडेक्सेस की हो जाए। तो वन स्टेप तो ये है कि आप प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अभी तक आपने ये नहीं देखा। लेट से आप कहते हैं रन टाइम पे P2 के लिए जो मेमोरी है वो 30 हो जाए, इंडेक्सेस 30 हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी का। हम खुद से रिक्वायर मेमोरी इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे ड्यूरिंग रन टाइम। तो उस सिचुएशन में आपको कंसेप्ट यूटिलाइज करने पड़ेंगे पॉइंटर्स के। पॉइंटर बाय डेफिनेशन क्या है? इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी। इट्स अ सिंपल वेरिएबल जो क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। लेट्स से इसको हम थोड़ा सा आपको ब्रेन को ओपन करने के लिए हम सिंपल एक कह लेते हैं इंट ए, फिर हम एक बना लेते हैं इंट स्टेरिक बी। और इंट ए में तो आप क्या स्टोर करवाते हैं? इक्वल टू 20। लेकिन आप सॉरी ए में आप क्या स्टोर करवाते हैं? इक्वल टू 20। लेकिन बी में आप डायरेक्टली 20 स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने एक स्टैटिक साइन अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है कि बी इज़ ए स्पेशल वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर मेमोरी। कोई भी जो इंटीजर मेमोरी है, फॉर एग्जांपल इंट ए, उसका ये एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। क्या कहेंगे? बी इज इक्वल टू एंड ए। इट्स ए कंसेप्ट ऑफ सिंपल पॉइंटर, एक स्पेशल वेरिएबल है जिसमें सिर्फ क्या करना है, एड्रेसेस स्टोर करना है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के। सो ये लेटर हम एक दो लेक्चर्स के पास डिटेल पे इस सिनेरियो पे आएंगे। सो अभी इसका बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी क्लास के अंदर पॉइंटर्स यूटिलाइज करेंगे, तो ये दो जो आपके फंक्शंस हैं, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या हो जाएंगे? प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। तो उस केस में हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी अपनी क्लास में खुद से बनाना पड़ेगा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी खुद से असाइन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना पड़ेगा। थर्ड, हमें एक स्पेशल वेरिएबल या एक स्पेशल फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इज सेम एज कंस्ट्रक्टर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, क्लास का नाम, और वो स्टार्ट होता है टिल्ट साइन से। मोस्टली ये साइन आपको मिलेगा आपका जो टैब का बटन है उससे ऊपर आपको ये साइन मिलेगा। अगर शिफ्ट के साथ उसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपको टिल्ट साइन ऐसे हम कहते हैं। विच कंटेन्स, इट्स ए डिस्ट्रक्टर विच कंटेन्स नो पैरामीटर्स एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली सेम एज योर क्लास नेम, उसका नाम वही होगा, इसमें आप कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, और ये कंस्ट्रक्टर की तरह ओवरलोड भी नहीं हो सकता। तो इस स्पेसिफिक फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम ये है कि अगर आपने क्लास के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी मेमोरी जो खुद से आपने रिजर्व की हुई हो, उसको आप डिस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो हम मोर डिटेल से देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ था। इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, सो रन टाइम पे आपके पास एक डिस्ट्रक्टर कंपाइलर आपके लिए क्रिएट कर देता है, लेकिन इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अभी तक हमें डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत भी नहीं है। रीज़न कि ये जो सारी मेमोरी आपकी एलोकेट हो रही है, लेट्स से एक्स के लिए, वाई के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में आपने कुछ लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये सारी मेमोरी रिजर्व कर रहा है आपके लिए कंपाइलर। और जो मेमोरी कंपाइलर रिजर्व करता है, ये कंपाइलर का काम है उस मेमोरी को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। अभी तक हमने कोई भी मेमोरी खुद से रिजर्व नहीं की हुई, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो लेकिन अभी तक आपको ये कंसेप्ट तो पता चल गया कि देर एग्जिस्ट ए कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करनी है ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, या आप पास कर सकते हैं एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, या आप पास कर सकते हैं एज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। दोनों वर्क करेक्टली अभी तक के सिनेरियो में, लेकिन लेटर ऑन ये दोनों हमें प्रॉब्लम कहेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं शेलो कॉपी का। शेलो कॉपी से मुराद क्या है कि जो भी पी की मेमोरी है, आंखें बंद करके वहाँ से वैल्यूज़ को कॉपी करें और P1 की वैल्यू में मेमोरी में स्टोर करवा दें। तो इस वजह से हम इसको शेलो कॉपी कर देते हैं। फिर कंसेप्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ ए डीप कॉपी का। तो ये आपके आगे आने वाले लेक्चर्स के क्या हैं बेसिक कंसेप्ट। सुनाओ, आपने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, व्हाट इज़ ए क्लास, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर, फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इम्प्लीमेंटेशन। सो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होगी। तो नाउ देर इज़ ए टाइम फॉर योर फर्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट मैं आपको पोस्ट कर दूंगा और वो आपका आपने सबमिट करवानी होगी 1 वीक के इनसाइड। अगर आप पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ये इम्प्लीमेंटेशन आपने कंप्लीट कर ली है, ऑपरेटर्स की आपको प्योरली अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गई है, ये ऑपरेटर्स क्या काम कर रहे हैं, तो आप वो असाइनमेंट विद इन 1 या 2 डे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो असाइनमेंट हम अपलोड कर देंगे कुछ दिनों बाद। और लेटर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उस असाइनमेंट पे डिस्कशन भी कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट क्या अंडरस्टैंड किया है, डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, वैल्यू पैरामीटर्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, और ये ऑलमोस्ट ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके टीम्स पे अपलोड हैं। अगर आप टीम्स पे आएँ फाइल तो क्लास मटेरियल आप अगर देखें, फाइल क्लास मटेरियल में अगर आप देखें तो आपका हेल्पिंग मटेरियल एक PDF अपलोड है, और एक लेक्चर आज का जो लेक्चर है वो भी क्या है, कंप्लीट अपलोड है। सो नेक्स्ट आपको मैं क्या कन्वर्ट करके दूंगा, दो चीज़ें आपके पास आएंगी आज के लेक्चर में। अभी आपके पास लैब के लिए आपका लैब मैनुअल आएगा जो कि आपने मंडे तक सबमिट करवाना है, और एक असाइनमेंट आपके पास आएगी जो आपने नेक्स्ट मंडे, नॉट कमिंग मंडे, नेक्स्ट मंडे आपने उसको कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। मैं अभी विद इन ए सेकेंड अपलोड कर दूंगा आपका लैब मैनुअल जो आप अभी बैठ के करेंगे, और लेट्स से मंडे तक आपने उसको सबमिट करना है ऑन CMS। सो वेट ए मिनट, टीम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एनी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं टीम्स पे एंड व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ऑन इमरजेंसी केसेस। तो बेटर ये है कि आप कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, कोड में एरर आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें टीम्स में मैसेज कर दें ताकि बाकी लोगों को भी एक्चुअली अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सब लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें।
So assignment in the form of PowerPoint अपलोड होने वाली है और लैब मैनुअल आपको अभी मैं अपलोड करके दे देता हूँ। तो डेट्स इट फॉर द क्लास, कुछ देर में आपका लैब मैनुअल ओपन हो जाएगा, आप लैब मैनुअल को देखें और उसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपने इस वीक के एंड पे, इन अदर वर्ड आपने जो कमिंग मंडे है उसको सबमिट करवाना है, जबकि असाइनमेंट आपने नेक्स्ट मंडे को आपने सबमिट करानी है और नेक्स्ट मंडे को डेट आपकी बनती है 27 मंडे नाइट तक आप सबमिट करवा सकते हैं। तो CMS पे जो भी डेट होगी वो आप वो देख लीजिएगा। डेट्स इट फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बी पेशेंट, लैब मैनुअल में अपलोड करने लगा हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड करें और वो लैब मैनुअल आपने CMS पे अपलोड करना है सॉल्व करके 20 जुलाई रात 12 बजे से पहले। थैंक यू वेरी मच, सी यू, एंजॉय द वीकेंड।